मुझे रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक लेडी ने डीएम किया, डियर डॉक्टर, मुझे आशा है कि आप मेरी मदद करेंगी। मेरी शादी के 3 साल हो गए हैं, हमारी अरेंज मैरिज थी और शुरू से मेरी सास हमारे साथ रहती हैं और अब मैं उनको बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। उन्हें लगता है कि उनसे बेहतर कोई है ही नहीं, शी इज़ द बेस्ट। वो मुझे हमेशा नीचा दिखाती रहती हैं, मैं जो कुछ भी करूँ उसमें गलतियाँ निकालती रहती हैं। उनके लिए मैं जो कुछ भी करूँ काफ़ी नहीं है। वो मेरी कुकिंग के बारे में, मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ, यहाँ तक कि बिंदी कैसे लगाती हूँ, वो मुझे ताने सुनाने की कोई चीज़ नहीं छोड़ती। अगर मैं उनकी हर बात मान के भी चलूँ फिर भी वो खुश नहीं होती। लेकिन उनको खुद हर काम के लिए प्रशंसा चाहिए। वो ये मानती हैं कि वो खुद बहुत स्पेशल हैं, लेकिन कोई भी रिलेटिव्स के साथ उनकी बनती नहीं है, वो सबसे झगड़ा करती रहती हैं। मेरे पति अपने माँ के लाडली बेटे की तरह सब कुछ चुपचाप देखते रहते हैं बिना कोई स्टैंड लिए। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ हेल्प। डियर लेडी, मैं समझ सकती हूँ आप कितनी टफ सिचुएशन में हैं। इतने डिफ़िकल्ट इंसान के साथ रोज़ाना वक्त बिताना और रहना बहुत ही मुश्किल होता है। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ हीलिंग एंड पॉजिटिव वाइब्स। ये हैं कुछ स्ट्रैटेजीज जो आपको हेल्प करेंगी और कुछ ऐसी चीज़ें जिनका ध्यान आप रख सकते हैं। फर्स्ट, फैमिली में अपना रोल रिकॉग्नाइज करिए। क्या आप केवल अपनी सास की बातें मानकर चलती हैं, सिर्फ उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती हैं, या आपकी अपनी भी इच्छा है, अपनी मर्जी है ऐसी चीज़ें करने की जैसे आपको ठीक लगती हैं। अगर वो आपके हर काम में इंटरफियर करती हैं तो आप उनके हाँ में हाँ मिलाकर खुद अपनी मर्जी से अपने काम को कर सकते हैं, जिससे ओके एंड डू थिंग्स योर वे एनी वे। सेकेंड, उनको खुश करना बंद कर दीजिए। क्या आपको अपनी सास से वैलिडेशन चाहिए? स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज हर बिकॉज दैट विल नेवर हैपन। क्योंकि आप जो भी काम करेंगी वो उसमें गलतियाँ निकालती रहेंगी, चाहे आप जितना अच्छा खाना बना लें या घर को जितना साफ रखें। एक्सेप्ट दैट योर मदर इन लॉ विल कीप क्रिटिसाइजिंग एंड कंप्लेनिंग। थर्ड, ग्रे रॉक मेथड ट्राई करिए। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप उस इंसान को इमोशनली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं जो आपको मैनिपुलेट करना चाहता है। इस टेक्निक में आप अपने आप को एक पत्थर की तरह डल और बोरिंग बना लेते हैं उस इंसान के प्रति। अपने चेहरे पर एक न्यूट्रल लुक रखे, उनसे आई कॉन्टैक्ट नहीं करिए और बहुत ही धीमी और डल आवाज़ में उनकी बातों का जवाब कम से कम शब्दों में दें, जैसे सिर्फ या जी बोल के। आपको गुस्सा आ सकता है, बुरा लग सकता है उनकी बातों का, लेकिन उन्हें आपकी फीलिंग्स समझने मत दीजिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको इग्नोर कर रही हैं, आप केवल उनसे बातचीत कम से कम कर रही हैं। यू आर लिमिटिंग योर कॉन्वर्सेशंस विद हर। इससे उनको वो नहीं मिलेगा जो उनको सबसे ज़्यादा चाहिए, आपका अटेंशन। इन 3 तरीक़ों से आप ग्रे रॉक मेथड को यूज़ कर सकती हैं। खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखें, लाइक बाय बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, जैसे कि फ़ोन पे बिजी रह के या किसी किताब या फाइल को लेकर या फिर मन में ही किसी चहेते इंसान के बारे में सोचकर। यू क्रिएट अ बफर ऑफ इमोशनल डिस्टेंस विद हर। इससे वो आपको नेगेटिवली एंगेज नहीं कर पाएंगी, आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगी और उनके एफर्ट्स को नाकाम देखकर वो खुद ही उब जाएंगी। उनके साथ बातचीत को ब्रीफ रख के अपने बारे में ज़्यादा मत बताइए या उनके बारे में भी ज़्यादा कुछ मत पूछिए। जितना हो सके अलूफ रहिए। याद रखिए कि आप खुद को अनहेल्दी बिहेवियर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा तरीका ग्रे रॉक मेथड यूज़ करने का, उन्हें मत बताइए कि आप इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। आपकी सास आपको मैनिपुलेट करके कंट्रोल करना चाहती हैं और अगर उन्हें पता चल जाए कि आप जानबूझकर अलूफ रहती हैं तो वो किसी और तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगी। द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, माफ़ करना सीखिए। अगर आप उन्हें माफ़ कर देती हैं अपने दिल में, इफ़ यू ऑफर हर फॉरगिवनेस, तो आपको उनके लिए एक्चुअली बुरा लगेगा। यू कुड एंड अप फीलिंग सॉरी फॉर हर। आप उनकी सिचुएशन के साथ सिंपथाइज कर पाएंगी, तब उनकी नेगेटिविटी, उनका नास्टी बिहेवियर आप पर कोई असर नहीं करेगा। आपके मन में पॉजिटिव फीलिंग होगी और आपको ये समझ में आएगा कि शी इज़ द वन हु इज़ मिजरेबल। एंड फाइनली,
अपने जीवन में अच्छाइयों पर फोकस करें, फोकस ऑन द गुड इन योर लाइफ। अपने हस्बैंड के साथ अपने रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने पर फोकस करिए और अपनी लाइफ को और भी मीनिंगफुल और फुलफिलिंग। स्टार्ट मेकिंग प्लान्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर बिकॉज इट्स आउट देयर वेटिंग फॉर यू। ऑल द बेस्ट।